ओमकालेश्वर से अब जा रहे हैं इंदौर, क्योंकि यहाँ पे जो है महाराज जी ने स्वामी जी ने भंडारा करवा दिया है और समथिंग एक हफ्ते यहाँ पे रुके थे स्वामी जी, और उन्होंने सन्यास धारण की प्रक्रिया जो है यहाँ पे अपनाई थी। आप सभी पहले की जो वीडियो में देख चुके होंगे, उनका जो मुंडन संस्कार हुआ और जो भी पूजन हुई थी, मैंने सब वीडियोस डाला था और हमारा हो चुका है। आप सामान पैक देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे पूरा सामान हो चुका है पैकेज। इसके बाद में स्वामी जी गए हैं दर्शन करने यहाँ के श्री अभेश्वर महादेव मंदिर, जो कि मार्कंडेय आश्रम में है। यहाँ पे मार्कंडेय सन्यास आश्रम में आप देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा आश्रम है ये मार्कंडेय आश्रम ओंकारेश्वर में। और मैं भी थोड़े से दर्शन कर लूँ महादेव जी के, तत्पश्चात हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे है महादेव जी का, अभेश्वर महादेव जी का मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पे नज़ारा है। यहाँ पे बहुत से सन्यासी महात्मा रहते हैं, आप देख ही सकते हैं। बस इनसे आज्ञा ले लें महादेव से, इसके बाद में हमारा सफ़र जो है तय हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि मैं दर्शन करके आ चुका हूँ महादेव जी के, इसके बाद हम नीचे चलते हैं, भंडारियों से मिल लेते हैं, कोठारियों से मिल लेते हैं, इसके बाद प्रस्थान कर जाएंगे हम। बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ का, लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत शानदार। यहाँ पर बहुत शांति मिलती है, यहाँ से नर्मदा तट भी बिल्कुल किनारे है, नर्मदा जी के 24 घंटे यहाँ से दर्शन होते रहते हैं, देख सकते हैं आप। आश्रम भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे गौशाला है, 30-35 गौशाला है, 30-35 गऊ हैं यहाँ पे, गौशाला भी काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे हमारे जो है स्वामी जी आ चुके हैं गाड़ी में दर्शन करके दूसरे रास्ते से, और गाड़ी में बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप। अरे हमारे इनको तो सब जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। और हमारे त्यागी जी, जो हमारे त्यागी जी हैं नरमदे, ठीक है दोस्तों, हर हर नरमदे। और आप सब देख सकते हैं, अब बैठ चुके हैं हम गाड़ी में और हम चले नरमदे हर नरमदे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम ओमकालेश्वर से लौटते समय यहाँ का जो पुल पड़ता है, बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा लगता है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार। मोरटका पुल बोलते हैं इसको, एक पुल वो है, जाते समय शायद उस साइड से आए थे, इसी से आए थे। बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं आप। तो पहुँच चुके हैं इंदौर और यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है थोड़ा सा सिग्नल, तो हम रुके हुए हैं, बिल्कुल कुछ ही देर बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। बहुत आराम से आ गए, बहुत अच्छे से आ चुके हैं हम लोग।